हेलो गाइस, मैं हूँ हरिओम अग्रवाल और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऑल न्यू i20 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितनी चलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 1 लीटर पेट्रोल है ये, और ये देखो अभी मैं इस गाड़ी के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डालूंगा। अभी मैंने गाड़ी बिल्कुल सुखा रखी है, आपने पिछली वीडियो में देखी होगी, बिल्कुल बंद हो गई थी मेरी गाड़ी जब मैं इसकी रिजर्व टैंक की देख रहा था कि कितनी वो आएगी, रेंज कितनी आएगी एक्चुअल। तो यहाँ पे और भी बॉटलों में आप पेट्रोल देखेंगे, वैसे तो अगर आप अभी देखेंगे तो अभी स्टार्ट नहीं होगी मेरी गाड़ी। यहाँ पर देखो 3 RPM तक जाएगा इसका, और फिर जैसे ही मैं मतलब कि क्लच छोड़ूंगा ताकि गाड़ी आगे बढ़े, वो बंद हो जाएगी, अपने आप 0 RPM हो जाएगा। अभी ये आप देखो, रोड नॉइज़ बहुत आ रही थी इसलिए तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही दे देता हूँ मैं इस पर, तो इसलिए रोड नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही थी उसमें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बाकी का पेट्रोल मैंने इसलिए रख रखा है क्योंकि यार 1 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी मैं गाड़ी को सुखा दूंगा वापस से, तो वो आपको दिखाने के बाद वापस पेट्रोल पंप तक जाने के लिए भी थोड़ा पेट्रोल चाहिए होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल 1 लीटर पेट्रोल है, इसमें भी 30 ml कम ही है, बल्कि अगर आप देखेंगे इसमें 80 रुपये का पेट्रोल है गुड़गांव दिल्ली के हिसाब से। तो ये देखो अभी हम 1 लीटर इसमें पेट्रोल डाल रहे हैं, बिल्कुल सूखी हुई गाड़ी में। ऑल न्यू i20 पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का, ये टर्बो वगैरह कुछ भी नहीं है अगर अभी आप देख रहे हैं तो। ये हमने डाल दिया 1 लीटर पेट्रोल, बॉटल बिल्कुल खाली हो चुकी है, अब हम इसको बंद कर देंगे और पेट्रोल हम इसमें नहीं डालेंगे, बस 1 लीटर ही रखेंगे इसमें। और अभी हम आगे चल के अब आपको पूरा दिखाएंगे कि कितना किलोमीटर ये चल जाएगी और कितना क्या आएगा। ये देखो अभी मैं स्टार्ट करके देखता हूँ कि हो रही है कि नहीं, तो यार अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है एक बार में, तो एक और बार ऑफ़ करने के बाद मैं दोबारा से देखता हूँ क्योंकि वो फ्यूल पंप वापस प्रेशर बनाता है। अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा तो दोबारा स्टार्ट हो जानी चाहिए। हाँ तो यहाँ पर देखिए आप, स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी माइलेज निकाल रही है गाड़ी, ये आप रियल माइलेज इसकी ऐसे ही पता चलेगी। ये देखो मैं ट्रिप ज़ीरो कर देता हूँ इसकी ताकि आपको कोई भी मतलब छेड़खानी ना हो इसमें माइलेज में। देखो मैंने ट्रिप ज़ीरो कर दी, ठीक है। अब मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि ये 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितनी चलती है। मैनुअल मेरा प्रॉपर मैनुअल इंजन है, मतलब ट्रांसमिशन पूरा मैनुअल है, 5 स्पीड का क्लच के साथ है, IMT नहीं है ये, ना ही CVT ना कुछ। तो अब मैं आगे चल के आपको टाइम लैप्स बना के दिखा देता हूँ एक रोड का कि मैं कहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ और कितनी माइलेज दे रही है गाड़ी पूरी की पूरी, ठीक है। तो चलो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. हमारी गाड़ी चल चुकी है 12 किलोमीटर, जैसा कि आप जूम करके देखेंगे, अगर 21 की माइलेज दिखा रही है, मैंने 70 की स्पीड पे चलाई है ये, ठीक है। 1 लीटर इसमें तेल डाला था जब इंजन बंद हो गया था, तब 1 लीटर तेल डाला था, ये आपने देखा है। तो अब हम देखेंगे कि ये कितनी चल रही है 1 लीटर तेल में, उससे आपको बिल्कुल ही रियल माइलेज पता चल जाएगी कि 1 लीटर के हिसाब से ये कितनी चल रही है। तो यार वो तो देख लेंगे अभी, तो वैसे पेट्रोल तो इसमें पता नहीं, मुझे पावर लैग तो अभी तक भी फील नहीं हुआ है। 12 किलोमीटर हो चुके हैं और 12.5 किलोमीटर भी हो गए, अब देख लो मैंने आप ही के सामने बोलते बोलते कर दिए 12.5 किलोमीटर। तो यार अभी तक भी पावर लैग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं, और बिल्कुल मतलब स्मूथ चल रही है अभी तो। 21 किलोमीटर मैं देखता हूँ ये चलेगी या फिर नहीं, शो तो 21 किलोमीटर की कर रही है माइलेज, तो देखो 21.5 तो पहुँच गई है इसकी माइलेज, तो वैसे अब दिखाने में लाइव माइलेज है ये। और देखते हैं अभी, मैं पूरी वीडियो अनकट रखूंगा यहाँ से। अभी मैंने मतलब आपको दिखाई दिया था कि मैंने 1 लीटर तेल ही डाला था, बाकी 3 लीटर जो तेल पड़ा था मेरे पास जो मैंने वहां पे भरवाया था ना पिछली वीडियो में, वही रखा है, ये वही वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये दूसरा पार्ट बनाया है बस मैंने। तो अभी देखते हैं कितने किलोमीटर चलेगी, अभी तो मैं आपके लिए चला ही रहा हूँ गाड़ी, जितनी भी चलेगी अब आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल अनकट रखूंगा, ये 13 किलोमीटर इसके पूरे हो गए अब। वैसे तो मैं यहीं पे घुमा ही लेता हूँ मैं गाड़ी, मैं ऐसी मतलब कि बस चला ही रहा हूँ दिखाने के लिए, ये अभी वैसे कहीं जाना तो था नहीं मुझे, तो बस वीडियो बनाने के लिए। देखो 21.7 तक पहुंच गई है इसकी माइलेज, मैनुअल ट्रांसमिशन में ना यही होता है, जो मतलब डीजल इंजन में तो यार फिर इसके माइलेज क्या ही निकाल देगी यार, मतलब पेट्रोल इंजन में इतनी बढ़िया माइलेज आ रही है तो डीजल इंजन में तो और भी बढ़िया आएगी।
तो चलो अभी देखते हैं, 13.5 किलोमीटर भी हो गए हैं, तो अब मैं दिखाई देता हूँ आपको, अनकट रखता हूँ मैं ये वीडियो, पूरी स्पीड इसकी बढ़ा दूंगा बीच में से, आपको वीडियो देख के। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... गाड़ी चल चुकी है 15 किलोमीटर और अभी तक मुझे कोई पावर लैग नहीं मिला है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें पावर लैग कैसे नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे मैं मतलब बोल रहा हूं। बिल्कुल पंजा दबाते ही गाड़ी भग रही है, जैसा कि भगनी चाहिए भी। देखो मैंने पहले उठा लेता हूं मैं गाड़ी, न्यूट्रल में डाली मैंने, अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका आरपीएम, ठीक है? तो बिल्कुल पावर लैग तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। 1 ही लीटर तेल डाला था और इसमें अभी 15 किलोमीटर तो मैंने चलाई दी है, 20 किलोमीटर की एवरेज दिखा रही है, 5 किलोमीटर का और बता रहा है, मतलब कि ये 5 किलोमीटर और चल जाएगी मेरी गाड़ी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी चला के। मैं इसमें मतलब कि कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा आपके लिए, ये बिल्कुल अनकट है वीडियो। बीच में मैंने थोड़ी काट दी थी क्योंकि मैं तब मतलब कि क्या कहते हैं ये थोड़ी बनने, हम पिछली वीडियो बनाने में भी थक गए थे, इसलिए वैसे मेरी कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं करी है मैंने, 1 ही लीटर तेल डाला है। मैं आपको आगे का भी दिखाई रहा हूँ, अभी तो चला देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। 16 किलोमीटर होने वाली है बिल्कुल, अगर मोमेंटम में होगी गाड़ी तो 16 किलोमीटर भी चली जाएगी। यहाँ पर देखो आप, 15 किलोमीटर चल चुकी है, 16 किलोमीटर हो गई और अभी तक भी कोई पावर लैग नहीं है या कुछ, तो अभी चलाती हैं। बीच में घर से कॉल आ गया था, यहाँ पर आप देखिए 17.8 किलोमीटर चल गई है और अभी तक भी कोई पावर लैग नहीं है। मैं तो बहुत ही खुश हो रहा हूँ यार, इसके 1 लीटर तेल में इतनी चल रही है। मेरी माइलेज वाली वीडियो में भी मैंने खींची तो खूब थी, 90-100 तक भी पहुंच गई थी वो, इसलिए उसमें शायद 17.6 पे उसकी माइलेज खत्म हो गई थी। यहाँ देखो अब पावर लैग आ गया है, 18 किलोमीटर हो गया है। अब देखो मैं पूरी रेस दबा रहा हूँ, यहाँ पर देखो फुल रेस है बिल्कुल, मतलब मैं पूरा पंजा दबा रखा है मैंने, 18.1 पे इसका बंद हो गया है देखो। और माइलेज इसकी MID में जो शो हो रही है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, 19.7 की MID में शो हो रही है, 18.2 चली है। तो यार इसकी मतलब कि आप लगा लो एक से 1.5 किलोमीटर ज़्यादा शो होती है MID में इसकी माइलेज, जैसा कि अगर आप देखेंगे 1 लीटर तेल में आपकी I20 चल जाएगी 18.5 किलोमीटर। तो ये पेट्रोल इंजन की बता रहा हूँ मैं, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, ये कोई टर्बो या IMT नहीं है, ये प्रॉपर मैनुअल है, क्लच के साथ है। और मतलब डीजल इंजन में तो यार ये और भी कहर ढा देगी मतलब गाड़ी। ये आपके लिए ये पूरी वीडियो थी मेरी, तो अब मैं इसमें 1 लीटर तेल देखो, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो चुका है RPM, मैं पूरी मतलब रेस दबा रहा हूँ पूरी की पूरी,
और ये बिल्कुल भी नहीं चल रही है, 18.5 किलोमीटर इसकी मोमेंटम से बन चुकी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें 1 ही लीटर तेल डाला था या फिर नहीं, जो मैंने बाकी 4 बोतलों में तेल डलवाया था ना वो मैं आपको सारी बोतलें दिखा देता हूँ। एक तो यहाँ पर है, देखिए आप, ठीक है, मेरे पास टोटल 4 बोतलें थी जिनमें मैंने तेल डलवाया था, बाकी दोनों आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, एक येरी इसमें मैंने तेल डलवा रखा है और एक वहां पर है, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो बस अब मैं ये सारा डलवाऊंगा इसमें और फुल करवाऊंगा गाड़ी को। माइलेज आपको दिखा दी है मैंने पूरी की पूरी, पिछले उसमें वो भी दिखा दी कि कितने चलेगी ये गाड़ी, मतलब कि अगर आपकी रिजर्व में लगी हुई है तो कितनी चल जाएगी गाड़ी, और 1 लीटर तेल में कितनी चलेगी गाड़ी। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, आपके लिए बहुत मेहनत करी है इसमें मैंने, सुबह सुबह निकल के और धुंध में चलाई है काफ़ी गाड़ी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।